अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये पार्ट टू है मेरी सीएसएस वीडियो का, जो कि तसलसल है मेरी पिछली वीडियो का, ये पार्ट टू है। तो बात ये है कि मैं यहाँ पे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं यहाँ पे मिथ्स को क्लियर करने आया हूँ, रियलिटीज़ को बताने आया हूँ, आप लोगों के जहनों को खुल के क्लियर करने आया हूँ कि भाई क्या है सीएसएस, कैसे करना है सीएसएस, क्योंकि और किसने करना है सीएसएस, क्योंकि बहुत से यहाँ पे नीम हकीम बैठ गए हैं यूट्यूब पे, अकेडमीज़ में, जो कि आपको गलत गाइड कर रहे हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो देखें, आपको समझ आएगी कि मैंने किस बारे में बात की है, कि तैयारी कहाँ से शुरू करनी है, पेपर कैसे देना है, किसको सीएसएस करना चाहिए, किसको सीएसएस नहीं करना चाहिए। लेकिन खुल के कोई बात नहीं बताएगा, मैं आपको वो खुल के बातें बताऊँगा। मैंने आपको अंदर की बातें बताई कि कौन सा सब्जेक्ट सीएसएस में टारगेट होता है, वो वाला जो अकेडमी जिस पर जोर देती है। मैंने आपको बताया कि अकेडमीज़ में वो बंदे पेपर चेक करते हैं जिनके खुद सीएसएस 3 दफ़ा फेल होते हैं, ये दूसरी बात मैंने आपको बताई। तीसरी बात मैंने आपको बताई कि भाई सीएसएस की तैयारी अगर आपने करनी है, पहली बात तो ज़रूरत नहीं, तो आप किसी मेंटर से लें जो के गाइडलाइंस, जो के जिसने खुद सीएसएस क्लियर किए। चौथी बात कि भाई सब्जेक्ट सिलेक्शन की, कि वो सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं करनी जो कि आपने पीछे पढ़ा डिग्री में, वो करनी है जो आप कर सकते हैं, जो आपको महारत है, क्योंकि डिग्री वाला फिजिक्स मैथ आपको सीएसएस में नहीं मिलना, वो डिफरेंट होना। तो ये सारी मिथ्स हैं, ये सारी रियलिटीज़ हैं। फिर कमरे में आपने अपने आप को एक साल बंद नहीं करना, कट ऑफ नहीं करना लोगों से। ये नहीं कि खाना बाहर आ जाए, चाय बाहर आ जाए, आपने उठा ली पी ली और पढ़ने शुरू कर दी, किताबी कीड़ा नहीं बनना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्टडी सब कोई कहते हैं, बताता कोई नहीं स्मार्ट स्टडी क्या है। स्मार्ट स्टडी लोग समझते हैं पतले होने को, कहते हैं स्मार्ट स्टडी होती है भाई जान कि आपने सिर्फ टू द पॉइंट सिलेबस पर रहना है। लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और ये रसाले और अखबारें पढ़ पढ़ के थक जाते हैं, तकरीरें पढ़ पढ़ के थक जाते हैं। वो उसकी वीडियो आई थी ना कि वो क्या कहते हैं अपना, वो भी पढ़ना पड़ता है, वो भी पढ़ना पड़ता है, मुजाफरी जोग्राफिया भी पढ़ना पड़ता है, ये भी पढ़ना पड़ता है। तो बात ये है कि आपने स्मार्ट स्टडी करनी है, आपने टू द पॉइंट सिलेबस उठाना है, उसको देखना है, उसको पढ़ना है, सिर्फ ये करंट अफेयर नहीं पास करना। सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात आती है, उसमें मैं बात कर रहा था कि आपने वो नहीं सिर्फ उठाना, आपने इंटरनेशनल रिलेशन उठाना है। अब आप कहेंगे सारे उठा लें, मोस्टली इन्हें उठाना है, क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन आपका करंट अफेयर क्लियर करेगा, पाकिस्तान अफेयर कवर करेगा, ओवरलैप करेगा। फिर आपका ऐसे ऐसे में बहुत से टॉपिक हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हैं। तो बाद लोग, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, गलती ये करते हैं, फिजिक्स में उठा लेते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन नहीं उठाते, इसलिए कि हमने फिजिक्स पढ़ी है जी, पीछे बी एस फिजिक्स किया हुआ है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फिजिक्स पढ़ी है। अब मैं आपको बताता, चलो फिजिक्स जो थी है वो दो पार्ट है, 1-2 200 नंबर का पेपर है। अब फिजिक्स एक मैकेनिकल की, एक इलेक्ट्रिकल की, अगर आपने मैकेनिकल पढ़ी, इलेक्ट्रिकल की, आपको हवा भी नहीं पता होगी, आप फर्क फेल, बड़ी मुश्किल है पास करना। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने किस तरीके से लेके चलना है। अब ये दूसरा पार्ट है उसका, इसको ध्यान से सुनिएगा, आपको मैं और चीज़ें मैं बताऊँगा, क्लियर करूँगा। और तीसरी बात, अगर आपने सीएसएस की सही मेंटरशिप लेनी है, बाकी आपकी मर्जी, तो आपको मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ इंस्टाग्राम का, मुझे डीएम करें, मैं आपको फॉरेन सर्विस के ऑफिसर से कॉन्टैक्ट कराऊँगा और जो कि आपको सही गाइड करेगा, मेंटरशिप देगा। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे की, करंट अफेयर की, प्रेसी की, पाकिस्तान अफेयर की, तो आप नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है उस पर करें, या नीचे यूट्यूब का कमेंट्स में मैंशन करें, मुझे कमेंट करें, तो आपका मैं जो सा ना ये सारा मसला हल कर दूँगा। अच्छा, अब आते हैं, बात करते हैं पेपर अटैम्प्टिंग टेक्निक पे और पेपर की तैयारी पे और ये सारा कुछ। तो सबसे पहले तैयारी, जब हम बात करते हैं कि तैयारी कैसे करनी है, तो लोग पूछते हैं जी तैयारी कहाँ से करें, ये पहला सवाल होता है कि अच्छा जी हमने, पहला सवाल होगा हमने सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करने हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि आपने कैसे करने हैं, आपने वो करने हैं जो आप कर सकते हैं ईजी, थियोरेटिकल, ये टेक्निकल चीज़ों में ना जाएँ, ठीक है। यूएस हिस्ट्री उठा लें, या मतलब इस तरह क्रिमिनोलॉजी उठा लें, और सब्जेक्ट टारगेट कौन से होते हैं मैंने बता दिया अकेडमी वाले। अब आपने सब्जेक्ट उठा लिए, अब आपने उसको मतलब उसको पढ़ना कैसे है, तैयारी कहाँ से करनी है? तो अक्सर लोग गलती करते हैं कि एक तो अकेडमी चल जाते हैं, अकेडमी के मैं खिलाफ हूँ, सख्त खिलाफ हूँ। मैं क्लियर करता हूँ कितने लोग पास होते हैं सीएसएस, 200 बच्चा, 200 में से कितने बच्चे अकेडमी वाले होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 40-50, वो 150 बच्चे अकेडमी के बगैर वाला होता है, वो 40-50 में से भी वो होते हैं जो एक दफ़ा मॉक एग्जाम देने गए या मॉक इंटरव्यू देने गए हैं। थ्रू आउट सीएसएस की तैयारी करने वाले बहुत कम है अकेडमी से, 1% 2% रेशियो है। तो आपने क्यों आप पैसे ज़ाया करने, आप ये अंदाज़ा लगाएं जो 37,000 बच्चा फेल होता है सारा अकेडमियों में जाता है, ठीक है। अकेडमियों में से बचें, मेंटरशिप लें सीएसएस ऑफिसर से, जिस तरह मैंने कहा, मैं नीचे लिंक देता हूँ, आपको ऑफिसर मेंटरशिप देगा। तो ये बात करने का मकसद है, ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो बंदा उसके अंदर से खुद गुजरा है। जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, उस बंदे ने फर्स्ट स्टैंड में क्लियर किया, ठीक है, उसने अकेडमी ज्वाइन नहीं की, उसको अंदर की बात पता है। तो ये बात अकेडमी से। दूसरी बात,
आपने करनी एक कंसेप्चुअल स्टडी, क्योंकि अब पुराने ज़माने गए, यूनिवर्सिटियों के रटे, कॉलेज स्कूल के रटे गए, कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटियों के लेवल का सीएसएस है ही नहीं हमारे, वो पढ़ाते ही नहीं है वो जो सीएसएस में है। आपने कंसेप्चुअल क्यों, आपका एक भी रटा हुआ आप सीएसएस फारग हैं, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, आपकी सफाई ना हुई पेपर में आप सीएसएस फारग हैं, आपका कंसेप्ट ना क्लियर हुआ आप सीएसएस फारग हैं। सीएसएस कोई फ्लूक थुक्का नहीं लगना, आपका तुक्का नहीं लगना भाई, तुक्का लगाना है तो भाई कहीं और जाके लगाओ, जाके ऐसे तुक्का लगाओ कहीं और, सीएसएस में ना लगाना जाके। सीएसएस करना है आपने, साफ सी बात है, कंसेप्चुअल स्टडीज़ करें, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें एक एक चीज़ का, एक एक सब्जेक्ट का, एक एक टॉपिक का, और फिर अपने अल्फाज में लिखें। इसलिए मैंने कहा इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश अच्छी होगी आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। जिस तरह आपको फ़र्ज़ करें, मैं कहता हूँ कि चाय पे मज़मून लिखो, तो आप उर्दू में लिख देंगे चाय अच्छी होती, चाय पीता हूँ, चाय खाता हूँ, जो भी कह देंगे, आपकी इंग्लिश ठीक है, आपको आया तो चाय पे मज़मून आपने पकड़ के लिख देना, मसाल है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात ये कि आपने अपने पेपर्स में कॉन्सेप्ट के साथ साथ पॉजिटिव रहना, मतलब कोई ऐसे टॉपिक्स आते हैं, मैंने पहले बात की पिछली वीडियो में, फेमिनिज्म में आ गया, आपका जेन नहीं है फेमिनिज्म वाला, मान लिया, लेकिन अगर आपने पास करना तो आपने अपने जेन के मुताबिक नहीं चलना, आपने लिबरल शो कराना, पॉजिटिव शो कराना। तो ये कुछ ब्रिकी हैं जो लोग नहीं समझते, बड़े बड़े लाइक फाइक लोग मैंने देखे हैं ना, कि सारे सब्जेक्ट किए क्लियर, सब ने नंबर लिए, 700 नंबर आ गया, ऐसे फेल कर गया। मैंने पूछा क्यों, तो एक लड़का मैंने पूछा यार तूने ऐसे क्यों फेल कर दिए, सारे नंबर अच्छे, तुम अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े, कहता फेमिनिज्म पे मज़मून लिखा था, मैं किस पे क्या लिखा था ना, कहता फेमिनिज्म के अगेंस्ट लिख दिया क्योंकि मैंने तो अपनी बताई भड़ास निकाली। आपने भड़ास नहीं निकालनी, आपने वही बात है, ज़माने के साथ चलना है, कम्पीट करना है, आपने अफसर बनना है, आपने कल को पुलिस ऑफिसर बनना है, पीएएस ऑफिसर बनना है, आपने वहाँ जाके जुलूस पे, एहतजाज पे ये नहीं देखना ये मेरे फिरके का है या ये मेरे मोहल्ले का है, आपने देखना है जो कानून कहता है, आपने उस हिसाब से डील करना है। तो वो जो उनसे सीएसएस चेक करने वाले होते हैं उनको गाइडलाइंस दी होती हैं कि कोई एक्सट्रीमिस्ट तबका ना इसमें आए, एक्सट्रीमिस्ट माइंड ना आए, वो बेशक इस तरफ एक्सट्रीमिस्ट हो, बेशक इस तरफ एक्सट्रीमिस्ट हो, वो आए जो बायस, वो ना आए जो बायस्ड हो, ठीक है। तो जब आपकी लिखाई में बायसनेस और आपकी लिखाई में एक्सट्रीमिज्म आएगा तो आप अपने आप को फारग समझे, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। बेशक वो उर्दू का पेपर हो, इंग्लिश का पेपर हो, जिस मतलब कहने का मतलब उर्दू का नहीं, इंग्लिश का हो, ऐसे का हो, किसी चीज़ का प्रेस में कर रहे हो, आप इंटरनेशनल रिलेशन में कर रहे हो, किसी चीज़ में कर रहे हो, कहीं गलती से आपका ये आंसर आ गया, ये एक पॉइंट है, ये बता रहा हूँ, ये आपने नहीं करना। कंसेप्चुअल स्टडीज करनी है आपने, आपने रटा मारना नहीं, बिल्कुल नहीं मारना, पिछली बातें छोड़ देनी। अब मैं आपको ना पॉइंट्स बना के देता हूँ क्या क्या करना, पिछली वीडियो से सारा कुछ शुरू हुआ, इस वीडियो तक चल रहा है, तो पिछली वीडियो से लेके अब तक जो हमने पॉइंट्स गिने वो क्या क्या है, मतलब पहले सब्जेक्ट सिलेक्शन, वो सब्जेक्ट जो आप कर सकते हैं, दुनिया की तरफ ना देखें और अपनी डिग्री की तरफ ना देखें कि डिग्री में ये पढ़ा, ठीक है। सब्जेक्ट सिलेक्शन करते वक्त इंटरनेशनल रिलेशन को मद्देनजर रखें, इंटरनेशनल लॉ को मद्देनजर रखें, वो आपकी चीज़ें कवर करेगा, ये सब्जेक्ट सिलेक्शन में आ गया। पेपर अटैम्प्टिंग में मैंने कहा था सबसे पहली चीज़ है सफाई, साफ सुथरा पेपर, ऐसे जिस तरह लड़कियाँ स्कूल में लिखती हैं, बच्चियाँ नहीं फूल बूटे बनाती, सेम खुला खुला हाशिए लगा के, ठीक है, और प्रॉपर इंग्लिश, प्रॉपर इंग्लिश, कोई उसमें स्लैंग लैंग्वेज नहीं, वोकैबुलरी सिंपल वोकैबुलरी, मुश्किल नहीं, वो कई एग्जामिनर को समझ नहीं आती, उससे भी फेल कर देते, ये भी बता दूँ, ऑक्सफोर्ड वाले फेल हुए, सिंपल इंग्लिश। और तीसरी बात कंसेप्चुअल स्टडीज़, कंसेप्चुअल स्टडीज़ रटा रुटा नहीं मारना आपने। तो ये सारी बातें आप लेके चलेंगे तो फिर आपका चांस है सीएसएस, इवन बाज़ुकात आप अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ें और अगर आप इन बातों पर मद्देनजर नहीं रखते, आपने अच्छा पेपर दिया, सफाई का ख्याल नहीं रखा, आप ऐसे फेल, फार फायदा। अगर आपने अच्छा, और एक मैंने बात की थी पॉइंट कि पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, लिबरल रहना है। अगर आपने बहुत अच्छे टॉप के पेपर दिए, 800 नंबर भी ले लिए और अगर आपने वहाँ पे जाके एक्सट्रीमिस्ट माइंड शो करा दिए, आप फेल। तो ये वो बातें हैं जो हर कोई नहीं बताता, यूनिवर्सिटियों में नहीं बताई जाती, ये आपको अकेडमीज़ में नहीं बताई जाती। और अकेडमीज़ की मैं बात करूँ, अच्छा आपने तैयारी कहाँ से करनी है, ये बड़ा ज़रूरी सवाल है जी, तैयारी कहाँ से करनी है। अगली और वीडियोज़ भी मेरी आएंगी, लेकिन आपको मैं चुनिंदा चुनिंदा बातें बता रहा हूँ। तैयारी आपने करनी है, मैं आपको इधर लिख के दे रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। आपने 98% तैयारी इंटरनेट से करनी है, आपका सीएसएस पास हो जाएगा। सीएसएस की तैयारी आपने 98% इंटरनेट से करनी, 2% आपने इधर उधर से करनी है और बाकी मेंटरशिप लेनी। क्यों? इंटरनेट पे अपडेटेड चीज़ें होती हैं, अपडेटेड नॉलेज होता है, इसे कहते हैं अपडेटेड नॉलेज। हमारी अखबारों में भी पुरानी चीज़ें छप जाती हैं, हमारी किताबें भी अपडेटेड नहीं हैं, हमारे प्रोफेसर भी अपडेटेड नहीं, वो भी जो आपको करंट अफेयर जो पाकिस्तान अफेयर पढ़ा रहे हैं वो अपडेटेड नहीं पढ़ा रहे। इंटरनेट पे आप अपडेटेड नॉलेज लेंगे, खुद लेंगे, ग्रैस्प करेंगे, उसको फिर रजिस्टर पे नोट करेंगे। हर सब्जेक्ट का एक रजिस्टर बनाएं, 12 सब्जेक्ट हैं, 12 रजिस्टर बनाएं,
हर चीज़ को लिख लिख के प्रैक्टिस करें, ये मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूँ, गुर है, लिख लिख के प्रैक्टिस करें, उससे एक आपकी राइटिंग स्पीड तेज होगी, सफाई आएगी, आपने पर्चा देना 3 घंटे में साफ सुथरा लिखना है, तो आप लिख लिख के प्रैक्टिस करें। जो इंटरनेट से देख रहे हैं उसके रजिस्टर बनाएं, ठीक है, यानी कि अपने नोट्स, 12 रजिस्टर नोट्स, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे भाई ने किया, उसने इंटरनेट से तैयारी की, 12 रजिस्टर बनाए, उन 12 रजिस्टरों से खुद तैयारी की, कोई अकेडमी नहीं, कोई कुछ नहीं, 4 से 5 महीने के अंदर विद जॉब उसने फर्स्ट अटैम्प्ट में सीएसएस क्लियर किया। 20% से ज़्यादा लोग सीएसएस फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं करते, जो ये अकेडमी में जाते हैं ना, सिविल सर्विस अकेडमी में, तो उसमें अगर कभी आप देखें 200 बच्चा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 बच्चा होगा जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करके आए होंगे, नहीं तो सेकंड थर्ड वाले होते हैं या तो फिर करते ही नहीं। तो मेरे भाई ने फर्स्ट टाइम में क्लियर किया अल्लाह के फजल से, और ये मैं उसकी बात बता रहा हूँ कि उसने इंटरनेट से तैयारी की है, उसने रजिस्टर बना रहे हैं, अपनी तैयारी खुद, अपना नॉलेज खुद, लोगों से जाके गलत राय नहीं ली, टाइम ज़ाया नहीं किया। अकेडमियाँ सिर्फ आपके पैसे खाते हैं। अब ये 37,000 जो बच्चा फेल हुआ है, उन माँ बाप ने पैसे कमाए होते हैं, एक पर्चा चेक करने का 1,000 रुपया लेते हैं, एक मेंटरशिप का 1,000 रुपया लेते हैं वो मॉक एग्जाम का, उसके अलावा मॉक इंटरव्यू का लेते हैं, फिर आपको जो पढ़ाने की महीने की 10 से 15,000 फीस लेते हैं, ओ खुदा का खौफ करो, इतने पैसे लगाते हो, सीएसएस पास तो होना ही नहीं होना, 2-3 लाख रुपए आप ट्यूशनों पे लगा देते हो, इतना पैसा ट्यूशनों पे ना लगाओ। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये मेरे पॉइंट्स देख लें बेशक, ये गिने, अगर आप सीएसएस करने के अहल हैं, आप जो है मेंटरशिप लें, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5,000 रुपया किसी सीएसएस अफसर को दें, आपको मेंटरशिप भी मिलेगी, वो ऐसे भी चेक करके देगा, गाइडेंस भी मिलेगी, और आपको उसका फ़ायदा भी होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि 3-3, 4-4 महीने अकेडमीज में 60-70,000 रुपया लगा दें, ना ना ना, अकेडमी वाले लूट रहे हैं, बिजनेस बन गया ना, जब आपका इलम तलीम बिजनेस बन जाए ना, तलीम जब बहुत बड़ा बिजनेस बन जाए तो समझे फ़र्क है। ये हमारे खिते में ऐसे चल रहा है, बिजनेस बन गया, टोटल बिजनेस, सीएसएस भी बिजनेस बन गया है। मैं तो हैरान हूँ, ये अफसर बाद मानते हैं अकेडमी को पकड़ते क्यों नहीं, ये लूट रहे हैं अकेडमी वाले, 2 नंबर बातें बता रहे हैं, यकीन करें 2 नंबर बातें बता रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे बंदों से पेपर चेक करा रहे हैं, ठीक, और यार रेशो हो ना कुछ पास करने की, या तो अकेडमी इतनी अकेडमियाँ खुली हैं, या तो मुझे बताएं 2,000 बच्चा सीएसएस में पास हो रहा है, 200 बच्चा पास हो रहा है, रेशो सबसे इस दफ़ा सबसे कम रेशो है 2%, 2% बच्चा पास हो रहा है, उसमें से 1.5% बच्चा खुद पढ़ के पास हुआ है, 0.5 अकेडमी ने कराया, और वो भी पूरे पाकिस्तान की अकेडमीज ने, तो अकेडमी उससे बचें। मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ, इंटरनेट पे जाएं, मेंटर्स पे जाएं और खुद करें, और अगर आप इस काबल नहीं हैं तो ना करें, और अगर आपने बिल्कुल करना ही करना है और आपकी इंग्लिश इस काबल नहीं है तो पहले अपनी इंग्लिश की तवज्जो दें, इंग्लिश सही हो जाएगी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, खुद लिखेंगे, साफ लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे, सीएसएस दुआ करेंगे पास हो जाएगा। ये अकेडमी शेडमी नहीं पास कराना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, सीएसएस 2018 की जो टॉपर है उसने 3 महीने में सीएसएस किया, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर थे, उसकी इंग्लिश ठीक थी, उसने 3 महीने में सीएसएस किया, उसने कमरे में 1 साल अपने आप को बंद नहीं किया, अपने भाई की मिसाल दे रहा हूँ, 5 महीने में किया। तो अगर आपने मेंटरशिप लेनी है तो आप जो है सीएसएस ऑफिसर से, तो आपको मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ इंस्टाग्राम का, उस पर मुझे डीएम करें, उसके अलावा नीचे यूट्यूब का कमेंट करके मुझसे रब्ता करें, आपको सही मेंटरशिप देंगे जिसमें बताएंगे कि सीएसएस में सब्जेक्ट्स कौन से टारगेट करेंगे इस दफ़ा, या कौन से टारगेट होते हैं, आपको वो बताएंगे कि ऐसे कैसे क्लियर करना है, प्रेसी कैसे क्लियर करना है, आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या होनी चाहिए, किसी भी नॉलेज के बारे में रब्ता करना है तो नीचे इंस्टाग्राम पर डीएम करें। और इस पर आपको जितनी बातें हैं वो तो ख़त्म नहीं होंगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊँगा, तब तक अल्लाह हाफिज़, काइंडली चैनल मेरा सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें और इंस्टाग्राम पर रब्ता करें, थैंक यू सो मच।